हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 0/0 को हम क्यों इनडिटर्मिनेंट बोलते हैं एंड 1/0 को हम क्यों अनडिफाइंड बोलते हैं। सो चलिए देखते हैं 1/1 सॉल्यूशन। पहला सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। लेट 0/0 इक्वल टू एल, तो हम क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू एल इक्वल टू 0, और एल भी कहाँ बिलोंग करेगा, पूरे रियल नंबर में बिलोंग करेगा। अब देखो क्या होगा, अगर हम एल की कोई भी वैल्यू रख रहे हैं, ये कंडीशन क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। मतलब 0 इंटू 1 लेंगे तो तब भी 0 आएगा, 0 इंटू 2 लेंगे तब भी 0 आएगा, 0 इंटू 3 लेंगे तब भी 0 आएगा। ऐसे हम कोई भी वैल्यू कर रियल नंबर से उठा रहे हैं, उसमें 0 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो जब हमको 0 मिला, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन को हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं कि किस वैल्यू के लिए 0 दे रही है। मतलब यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए 0 दे रही है, इसीलिए क्या कहेंगे हम, देयरफॉर 0/0 इज इनडिटर्मिनेंट। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड में क्या है, सेकंड में ऐसे हम देखेंगे क्या कि लेट 1/0 इक्वल टू एल, तो एल कहाँ बिलोंग करेगा, एल बिलोंग्स टू पूरे रियल नंबर, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 0 इंटू एल इक्वल टू 1। अब ये देखो एक कंडीशन देखो, ये क्या है, 0 इंटू एल। अब हम बताओ, अगर एल की कोई भी वैल्यू अगर 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एल कहाँ से ले रहे हैं, आर से, तो 0 इंटू अगर 1 करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन हमको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। कभी हम किसी भी वैल्यू का, मतलब अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा हमको क्या देना चाहिए, 0 देना चाहिए, लेकिन हमको क्या दे रहा है, यहाँ पे 1 दे रहा है। ये क्या कर रहा है, ये कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी वैल्यूज ऑफ एल बिलोंग्स टू आर, सो 0/1/0 इज अनडिफाइंड। थैंक यू।